लेकिन अगर हम बच्चे को ये फाइनेंसेस की मतलब एजुकेशन कैसे करें फाइनेंस का बच्चे को, मतलब अगर छोटी उम्र में ही उनको हम ये सब थोड़ा सा एजुकेट करें तो आगे जाके जो स्ट्रगल हमने किए वो ना करें। सी यू, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आज के जनरेशन में जो मारामारी होती है, बच्चा जब समझने लगता है ना, उसके बाद मारामारी शुरू होती है। 12, 13, 14 साल के बाद, या जब स्कूल में होता है, दूसरे बच्चे का वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होता है और उसका जब नहीं होता है आपके बच्चे का, तब तो वो हाँ उसे जो आप है। फेस करते हैं आपके समाज में, वो बच्चा अपने समाज में समाज फेस में करता, फेस करता है अपने पीयर्स। सराउंडिंग में फेस करता हाँ है, अपने दोस्तों में फेस करता है, अपने क्लास में फेस करता है, अपने स्कूल में फेस करता है। तो ये परिस्थिति खड़ी ना हो, तो 6 साल की उम्र से, अच्छा चीज। बच्चा जब 6 साल का होता है, व्हेन इन आवर एजुकेशन पैटर्न, व्हेन ही चाइल्ड रीचेस सेकेंड स्टैंडर्ड, सेकंड। हाँ देन यू स्टार्ट टीचिंग देम डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। वन इज योर मदर मदर टंग। टंग, अदर इज कम्युनिकेशन, लाइक डिफरेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी वगैरह। मराठी छोड़ो, इंग्लिश एंड हिंदी हिंदी। ये हम सिखाना शुरू करते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड से। उसका मतलब क्या हुआ कि नाउ द चाइल्ड इज सपोज टू बी लर्निंग न्यू थिंग्स। सो एट दैट एज, सिक्स सिक्स मेरे मेरे हिसाब से बच्चा जब 6 साल का होता है, जो छोटे छोटे अपने डिसीजन लेता है, छोटे छोटे डिसीजन लेता है, अपनी बुक सही रखो, अपना लंच बॉक्स प्रॉपर रखो, इसको साफ करके रखो, वहाँ से भूल के नहीं आना है, आपकी वाटर बॉटल सही रखो, वैसे जैसे वो अब ये सब चीज़ें अपनी बिलोंगिंग ने जो भी चीज़ है उसको सही तरीके से मेंटेन करो, सही तरीके से रखो, सही तरीके से लो, सही तरीके से वापरो, ये उसको हैबिट डालनी है डालनी अपनी चीज़ों का, अपने बेड का, अपने बैग का, अपनी बुक्स का। ये हम चाइल्ड पेरेंट शिविर के अंदर ये सब हम कराते थे। जैसे अपने डिसीजन लेता है तो दूसरे बच्चे लोग कैंटीन में खाते हैं लंच, अरे ब्रेक होता है तब वहाँ कैंटीन होती है, तो उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमारे स्कूलों में भी ऐसे होता था, और फिर रगड़ा पाव मिलता है, मेरी मम्मी तो 1 रुपया नहीं देती है रगड़ा पाव का, क्लास के समोसा लिए। रगड़ा ये वो, सब लोग, सब बच्चे लोग खा रहे हैं और हम तो देख रहे हैं, मेरा ये दिन कभी आएगा। फिर मैं हॉस्टल में गया था तो हॉस्टल में भी मेरे रूम पार्टनर सब डोसा मंगाए, कोई ये मंगाए, कोई यू मंगाए, अपने जेब में कुछ है ही नहीं। तो ये होता है, मतलब तब फीलिंग आती है ना कि हाँ, हाँ कि हम अरे वंचित है, हमारे पेरेंट्स हाँ कुछ दे नहीं रहे हैं, तो वो नहीं दिया तो आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमको कुछ नहीं मिला तो हम नाराज नहीं होते हैं, हमें कुछ इफेक्ट नहीं करता है। ये ट्रेनिंग हमको नहीं मिला था इसलिए हम ट्रेंड हैं। अभी बच्चे को आप देना शुरू करोगे और चाहिए उससे ज़्यादा देना शुरू करोगे, यू आर स्पॉइलिंग योर चाइल्ड, बिकॉज यू आर स्पॉइलिंग योर चाइल्ड दैट वे दैट ही और शी विल नॉट बी एबल टू फेस एडवर्सिटीज इन फ्यूचर लाइफ। सो टूडेज वर्ल्ड जस्ट लाइक अपनी चीजें संभालने का जब शुरू करता है, वो सब चीजें संभालना सीख जाता है, प्रॉपर सीख जाता है, डिसिप्लिन में रहता है, भूलता नहीं है अपनी चीजें संभालना, रखना, मेंटेन करना, संभालना, रखना, मेंटेन करना अपनी चीजें सही तरीके से, वो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखाना शुरू करना है। सीखना सेकेंड स्टैंडर्ड में नई लैंग्वेज शुरू करता है, सो सेकेंड स्टैंडर्ड एंड थर्ड स्टैंडर्ड के बीच में उसे छोटा छोटा अमाउंट देना है अच्छा वापरने के लिए, और उसको समझाना है
ये है ना, ये पैसा है ना, इसको कमाने के लिए पापा को इतनी मेहनत करनी पड़ी, अभी मैं तुझे ये दे रही हूँ, हर माँ को ये करना है भाई, ये तेरे हाथ में है पैसा, तुझे कैसे यूज करना है। और देखो उसका एटीट्यूड किस में जाता है, खाने की चीजों में जाता है, जरूरत चीजों में जाता है, किसी को देने में जाता है, किसी के लिए कुछ करने में जाता है। वॉच दैट चाइल्ड, हाउ दैट चाइल्ड इज स्पेंडिंग, एंड ट्रेन दैट चाइल्ड हाउ टू स्पेंड एंड गिव वैल्यू टू, मनी जनरेट द वैल्यू, कि भाई ये 5 रुपया है तो इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू उसको साथ में बताना है, देख तेरे पास 5 रुपया है, तेरे क्लास में कहीं लोगों के पास ये नहीं हुए, नहीं वो तेरे पास है, यू हैव तो है चॉइस टू चॉइस। शेयर योर मनी विद देम फॉर लिटिल स्मॉल लिटिल थिंग, यू कैन हेल्प देम, यू कैन टेक द बेस्ट मटेरियल एट द चीपेस्ट रेट, यू हैव टू फाइंड आउट एंड सर्च सो दैट यू डोंट स्पेंड टू मच मनी, यू कैन गेट सेम मटेरियल एट सेम क्वालिटी विद लेसर रेट, विद लेस मनी यू हैव टू फाइंड आउट दोज सोर्सेस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट। ऐसे ऐसे उसको एजुकेट करना शुरू करो, करना कैसे यूज करना मनी, चाहिए। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो उसको सिखाना है कि भाई हाउ, ये तू जो स्पेंड करना सीख गया है, अब वो कैसे तू कमा सकता है वो देख, अच्छा तोरी तेरी छोटी छोटी एक्टिविटी में तू कैसे उसको अर्न कर सकता है, हाउ कैन यू अर्न। सो स्पेंडिंग एंड अर्निंग शुड बिकम अ चाइल्ड्स बिहेवियर राइट फ्रॉम फर्स्ट स्पेंडिंग, मेंटेनिंग, फर्स्ट मेंटेनिंग मेंटेनिंग व्हाट अ चाइल्ड हैज, हाउ ही मेंटेन्स, देन टीच देम फर्स्ट प्रॉपर मेंटेनेंस, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू टेक, हाउ टू गिव, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू शेयर, शेयरिंग एटीट्यूड ऑफ शेयरिंग, ये शेयरिंग सब सिखाओ उसको ड्यूरिंग देयर स्टार्टिंग एज, राइट फ्रॉम एज 6, 6 इज फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ये धीरे धीरे उसका ग्रोथ चार्ट करना शुरू करो, करना फिर उसको पैसे कैसे वापरना सिखाओ, फिर पैसे कैसे कमाना छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से, छोटा छोटे काम करके, तो उसको रियलाइज होगा कि मेरे को 5 रुपया कमाना है तो कितना मेहनत मेहनत करनी पड़ती, कोई मुझे ऐसा दे नहीं दे रहा है 5 रुपया, तो मेरे पेरेंट्स को जो 5 रुपया भी लेना है तो उसको पता है कि अच्छा, तो जब वो कमाना शुरू करेगा तभी उसको अपने आप पता चलेगा कि अभी मुझे स्पेंड कितना करना है, देन ही स्टार्ट गिविंग वैल्यू वैल्यूइंग टू द मनी। वैल्यूइंग मनी, सो इट शुड स्टार्ट राइट, दिस हैबिट्स ऑल फाइनेंशियल हैबिट्स शुड स्टार्ट फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। सो सेकेंड स्टैंडर्ड में बहुत कुछ वो सीख रहा है, अपनी चीजों को बराबर मेंटेन करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने ड्रेस, अपने कपड़े, अपने स्कूल बैग्स, स्कूल के बुक्स, सब कैसे नीटली प्रॉपरली मेंटेन करता है, कैसे रखता है, संभालता है, कितना लंबा चलता है। आज भी मेरे मेरे कपड़े 10 साल चलते हैं, आज भी अच्छा 10 साल चलते हैं। सो मेरे भाई के तो हर साल नए कपड़े आते हैं, हमारे बचपन की मैं बात करता हूँ, मैं और मेरा भाई, आज भी मेरे मेरे घर में मेरे कपड़े 10 साल चलते हैं, फिर मुझे देखना पड़ता है, फिर मुझे कोई बोलता है भाई घना बदा गरीबो छे ने पण आपन, तो अभी मैंने डिसाइड किया 5 साल के बाद दे देंगे, ताकि 5 साल दूसरा कोई वापरे। तो दिस शुड बी योर एटीट्यूड, ये बचपन से, और चीजें संभालना, क्योंकि लोग क्या लेते हैं, वापरते हैं, फेंक देते हैं, वैल्यू केयरलेस, नहीं करते। केयरलेस, केयरलेसनेस नहीं, वैल्यू तो बाद में, केयरलेसनेस मीन्स वापर लिया, फेंक दिया, मम्मी किधर है, वो मम्मी, वो किधर है, ये किधर, मम्मी नहीं, यू शुड हैव पुट योर थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर प्लेस, आपको प्रॉपर प्लेस में रखने की आदत होनी चाहिए, ताकि आपको जब चाहिए तब आपको पता है कि मिलेगी। ये चीज यहां से मिलेगी, प्रॉपर मेंटेनेंस, आफ्टर दैट प्रॉपर परचेजिंग, प्रॉपर स्पेंडिंग, देन प्रॉपर अर्निंग,
दीज आर द स्टेजेस, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से उसको ये अवेयरनेस क्रिएट करो. हमारे ट्रेडिशनल मारवाड़ी घरों के अंदर आगे दुकान पीछे मकान, तो बचपन से बच्चा देख रहा है अपने माँ बाप कैसे कमा रहे, एक एक रुपया कैसे कमा रहे, वो खुद भी उसको बिठा के जाते हैं तो भी काम कर लेता है. तो उसको कैसे कमाना, कैसे खर्चा करना, जो आदमी कमाना सीख जाता है वो खर्चा करना अपने आप सीख जाता है, क्योंकि उसको वैल्यू पता होना शुरू हो जाती है कि इसकी वैल्यू क्या है. ये वंस यू स्टार्ट अर्निंग यू फील द वैल्यू ऑफ मनी यू स्पेंड. दैट अवेयरनेस यू शुड स्टार्ट क्रिएट इन अ स्मॉल वे राइट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड देन ऑलवेज टीच देम देर इज ऑलवेज एन ऑप्शंस. Whenever you want to buy something for your requirements, you have so many options. Always go through all the options and see best thing at the best rate. Best thing at cheapest rate. Have that attitude. आज भी अगर मैं कहीं भी जाऊं तो परम सुख is also running that way. No one can imagine the amount of money spent and the amount of presentation is happening outside. करोड़ों रुपया खर्चा किया होगा तभी ये जाके होता है, ऐसा लोगों को इंप्रेशन है. एट परम सुख वी नो, कहीं सेवकों को भी मालूम नहीं होती है कि कैसे मैनेज होता है. वो जब तक फाइनेंस फील्ड में नहीं आता है तब तक उसको पता नहीं होता है. तो वी क्रिएट वंडर्स एंड वी आर एंजॉइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट मिनिमल कॉस्ट. ये फाइनेंशियल स्किल ये बचपन से अगर होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी सत्संग है संडे को, नितिन भाई ठीक है, तो भावना बेन, मैंने बोला था भावना बेन को, उनको खाली बता देना कि भाई ये हमारा सोर्स है और यू विल गेट बेस्ट एंड बेस्ट रेट एंड बेस्ट बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट बेस्ट रेट एंड बेस्ट क्वालिटी. नहीं हमारा है, हमारे पास भी. मुझे आया भावना बेन का फोन के वो उनकी वाइफ और वो बोल रहे थे हमारे पास भी बहुत सारे कैटर हैं, कर रहे थे उसको. पता चल गया उनको व्हाट परम सुख डज इज द बेस्ट थिंग. दे केम टू अ कंक्लूजन ऑटोमेटिकली, बेस्ट फूड, बेस्ट सर्विस, बेस्ट रेट्स. You can never imagine the rate, that rate you can ever get. Such a good food. Yes, with best services. You can never imagine. So this is what has to be inculcated from childhood. I have been handling my house. I have been handling my house right from the age of 10. आपको बताऊं, मैं 10 साल का था तो हम राशन की लाइन में मेरे मम्मी पापा भेज देते थे, जाओ सुबह 4 बजे में लाइन में बैठ जाता था उधर राशन की लाइन में. अच्छा वो मम्मी बोलती थी नंबर आओ से त्यां सुधी आवी जीस, मम्मी कभी पहुंच ही नहीं पाती थी. वो 10 किलो का राशन 10 साल का बच्चा वो 10 रुपया मेरे जेब में डाल देते थे कि जो बाय चांस हम नहीं पहुंचे थे तो 10 रुपया में राशन ले लेना. तो 10 रुपये के हमको पता था, 2-3 बार हमको लगा कि मम्मी आ रही आ रही आ रही, पापा तो काम पे जाते थे, मम्मी कभी आती नहीं थी. तो 10 साल का बच्चा 10 किलो का अनाज राशन लेकर घर जाता था, फिर मम्मी कहीं बाहर जाए यहाँ जाए तो उधर जा जरा वो भाजी लेके आओ. सब भैये को भी इंट्रोड्यूस करके दिया था कि मेरा बेटा है ये आएगा तो जो मैं वो बोलेगा या मैं चिट्ठी भेजूंगी वो आप उसको दे देना, पैसा भेजू तो ले लेना नहीं तो मैं जब आऊंगी तो आपको दे दूंगी. दिस इज हाउ आई हैव बीन ट्रेन्ड राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड. हमारी मदर
स्पिरिचुअल उस उद्यान करने के लिए जाती थी, पूरा घर में चलाता था एट दैट एज। एक कुक थे, वो भी हमारे कोई रिलेटिव थी, ओल्ड लेडी, वो आती थी कुकिंग के लिए, पूरे दिन भर रहती थी, हमको संभालती थी। काम कौन करता था? मैं। पापा तो हमेशा बाहर रहते थे, और उस टाइम पे ये 1971 की बात कर रहा हूँ, वॉर 1971 में वॉर थी, वो वॉर टाइम में हमारी मदर उपध्यान में थी। अच्छा। और मैं यहाँ पर घर संभाल रहा था, ये वॉर के टाइम में पूरा डार्क हो जाता था, ये करता था, वो भाई लोग को संभालो, वो ओल्ड लेडी है उसको भी संभालो, बाहर का सब काम करो, वो सायरन बजती थी और सब लोग घर पे। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज, दिस क्वालिटीज, इफ यू गिव, सी एट यंग एज इफ यू give responsibilities to children, they will learn very much. Okay. You have to give up, parents have to give. हमारे केस में situations and circumstances were there. Okay. But I propose that every child has to be trained this way. And this is where Gurukul will help you how to bring up your child with right inputs at the right age. आपने जो फाइनेंशियल अवेयरनेस, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अवेयरनेस इन चिल्ड्रन। सो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बच्चों को आपको तकलीफ कभी होने ही वाला नहीं है, क्योंकि उसने बचपन से सब कुछ देखा हुआ है, उसको आटे दाल का भाव पता है, वो प्रोसेस से पास हो चुके हैं। उस ये सब टैलेंट से उसकी लाइफ में उसे आगे जाके बहुत हेल्प करते हैं, करेंगे, वो कभी भी बॉकडाउन नहीं होगा। आप कितने भी धनवान और धन संपत्ति वाले हो, लोगों को मैं चल के जाते, बोले नहीं, ड्राइवर को बोले मेरे बेटे को लेके जाओ, उधर छोड़ के आओ, वो अभी फोन करेगा तो वापस लेने जाओ, ये वो, यू मेक योर चाइल्ड परफेक्ट। आप उसको पैरासाइट बना रहे हो, निर्भर, वो बिना उसको कुछ मिलेगा नहीं तो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा स्ट्रेस पे वो तुरंत आ जाते हैं, आ ही जाएंगे ना, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सपोज देम एट राइट एज विथ राइट इनपुट्स टू देम। कैसे लोगों से, कैसे हमारे स्कूलों में ये रहा करता था फॉर चिल्ड्रन हु कैंपेन हुआ करती थी कि घर घर जाओ, पैसे इकट्ठा करो और वो पैसे की किटी बैंक बनाओ और वो पैसे किसी होम्स को दे दिया जाता था। अच्छा। चिल्ड्रन होम आश्रमों को, आपका कलेक्शन चिल्ड्रन होम आश्रमों को दिया जाता था, और हमें कहा जाता था कि आप आपकी बिल्डिंग में, मोहल्ले में, आजू बाजू वाले नेबरहुड बिल्डिंगों में जाकर कलेक्शन करके आओ, और वो लेटर देते थे हमें स्कूल वाले, स्कूल वाले, और ये सेवा करने का कलेक्शन। तो ये एक एटीट्यूड है, यू मीट सो मेनी पीपल, दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, सम पीपल एंटरटेन यू, सम पीपल थ्रो यू अवे, सब प्रकार के अनुभव राइट एज पे मिलते थे। कोई आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, हो इतना अच्छा काम करते हो, क्या संस्कार देते हो, आप कौन सी स्कूल में हो, कौन से आपके पेरेंट्स क्या है, क्या करते हैं, कितना अच्छा आप, कितनी अच्छी तरह बात करते हो, कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हो। तो ये सब एक्सपोजर करने से, सी साइंस हैज ऑलरेडी प्रूव्ड योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 60-70% ऑफ योर एटीट्यूड हैज बीन ग्रैप्स्ड बाय एज 6। तो मैं तो यही कहता हूं कि आपका प्रोसेस जो है ना चाइल्ड के कैरेक्टर फॉर्मेशन का, माँ के कोख से शुरू हो जाता है। 5-6 साल तक का तो आप उसको जो भी सिखाओगे ना, वो ऐसे सीखेगा। बिफोर आप उसको लैंग्वेज सिखाना, दुनियादारी सिखाओ, उसके पहले ये सब वैल्यूज, हाँ वैल्यू सिस्टम। इसीलिए बच्चों के ऊपर, हम लोग के यहाँ बच्चों के ये स्कूल में भेजो, बुक्स भेजो, वो सब नहीं होता था, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस हुआ करता था, उसे और कुछ नहीं करना है, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स,
हैबिट पैटर्न, थॉट पैटर्न्स, इमोशनल पैटर्न्स, उसके ऊपर वर्क करना है। तो ये प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, वहां ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं होता, नहीं होता है। उसको दुनियादारी क्या है, कैसे दुनिया में जीना है, कैसे उसको बिहेव करना है, कैसे मांगना है, कैसे देना है, कैसे शेयर करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसके साथ कैसे बातचीत करना है, ये सब मैनरिज्म्स एंड ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी इंक्लाइंड एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग एम्बिशंस इन दैट देम, स्टार्ट क्रिएटिंग टैलेंट्स इन देम, स्टार्ट खेल खिलौने खेलना सिखाओ, क्रिएटिव करना सिखाओ, बिल्डिंग अप समथिंग, कंस्ट्रक्टिंग अप समथिंग, ये सब तीन ढाई की उम्र से पांच छह की उम्र तक ये सब एटीट्यूड डालो, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग एवरीबडी, सी दीज आर द कैरेक्टर मोल्डिंग एज पीरियड, एंड देन जैसे मैंने बताया आगे दुनियादारी सिखाओ, बाहर की दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करना, कैसे क्या करना, शेयरिंग केयरिंग कैसे करना, दीज आर द थिंग्स टू बी नर्चर्ड इन चाइल्डहुड, ये होगा जीवन भर रहेगा, भले वो आउटट्रैक भी हो जाए ना बड़े होकर, लेकिन उसका जो बेसिक नेचर है ना वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये बहुत जरूरी है आज के समय में, जहाँ बच्चे हाईफाई स्कूल में इसका कंपास ऐसा है, इसका कंपास ऐसा है, जो कंपैरिजन सीखते हैं ना, जब आप राइट ट्रैक पे अपने चाइल्ड का ग्रोथ करोगे ना, तो ये सब कुछ मायने नहीं रखेगा। हमारे जमाने में भी ऐसा ही होता था, हमारे पास जो चीजें रहती थी पढ़ाई की, स्कूलों की, कंपास की, पेन की, पेंसिल की, शार्पनर की, रबर की, तो सुगंध वाला रबर, हमारा तो सिंपल रबर रहता था। तो हमारी माँ बोलती रबर का काम क्या है, रब करना है ना, तो सूंघना है क्या, खाना है क्या, तो क्या, हाँ तो जो सुगंध वाला होता है ना, वो बच्चे जो लोग रहते वो खा जाते हैं रबर, क्योंकि उसको सुगंध अच्छी लगती है तो खा भी जाते हैं। और हम खाली रबर रब करने के लिए वापर देते, तो हमारा रबर एक साल चलता था, दूसरे का रबर एक दिन चलता था। तो ये इनकलकेटिंग वैल्यूज, नॉट इन, डोंट इनकलकेट दैट स्टेटस एंड अमाउंट फिगर, देखो ये रबर इतने का है, ये रबर इतने का है, ऐसा कभी मत सिखाओ। रबर का रोल क्या है, रब करने का ना, फोकस ऑन दैट रब। पेंसिल, वो पेंसिल 10 रुपये वाली है, वो फैंसी पेंसिल 20 रुपये वाली है, मेरी पेंसिल तो 1 रुपये वाली है, लिख तू, लिख के देख, अभी 20 रुपये वाली लिख, वही लिखा जाएगा उसे, नहीं उसे कभी कभी खराब भी होती है, उसको दबा के लिखना पड़ता है, और ये आराम से उसमें लेट जाता रहता है 1 रुपये वाली में। सो दिस इज स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट मेक्स अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड, साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। सो वैल्यू सिस्टम, पेरेंट्स का रोल है वैल्यू सिस्टम देना। आप बीइंग अ पेरेंट, यू फर्स्ट, आपकी जीवन की वैल्यू सिस्टम क्या है, दैट इज ओनली व्हाट यू आर गोइंग टू गिव देम, क्योंकि आप जो सोचते हैं, चर्चा करते हो आपके घर में, जो बातचीत करते हो, जो बिहेवियर करते हो, जो अपने आप पालन करते हो, वही उसके अंदर आने वाला है। तो पेरेंट्स के अंदर जो होगा वही बच्चे में आने वाला है। तो आइदर यू इम्प्रूव टू इम्प्रूव योर चिल्ड्रन, प्रवचन से कुछ नहीं होगा, आप जो करते हो बच्चा बराबर निरखता है और उसी प्रकार करता है। आप कितना भी प्रवचन दो वो नहीं सुनेगा, आप क्या करते हो बराबर पकड़ेगा। सही बात है। तो ये जो आपका सवाल था, एजुकेशन कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू इन योर हाउस, हाउ व्हाट यू टॉक इन योर हाउस, हाउ द ऑल द मेंबर्स बिहेव, एंड सो ये फाइनेंशियल का जो एजुकेशन है, ये मैंने जो पूरा सिस्टम बताया,
नॉट ओनली फाइनेंशियल एजुकेशन, ऑल द एजुकेशन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन वैल्यू सिस्टम, चिल्ड्रन लर्न्स फ्रॉम योर हाउस एनवायरनमेंट. वन इज देयर हाउस एनवायरनमेंट, सेकेंड इज देयर स्कूल एनवायरनमेंट, एंड थर्ड इज देयर फ्रेंड सर्कल एनवायरनमेंट, योर नेबरहुड. योर हाउस, योर नेबर हाउस, योर हाउसिंग सोसाइटी कल्चर, योर स्कूल कल्चर एंड देयर फ्रेंड्स कल्चर, यहाँ से बच्चे सीखते हैं. तो आप हर जगह प्रॉपर सेट कर दोगे तो आपको जो चाहिए वो ऐसा होगा. और इसीलिए गुरुकुल बोला है कि गुरुकुल के अंदर बच्चा भी आएगा, माता पिता भी आएंगे, उसके माता पिता भी आएंगे, तो एक यूनिटी होगी. अभी पर्यूषण के अंदर ये कल्पना बेन वोरा का परिवार पूरा आया था, उसके तीन जनरेशन साथ में थे, तो सबको ये कल्चर मिलता है ना, वो देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, समझाना नहीं पड़ता है. दे पिकअप वेरी फास्ट, चिल्ड्रन पिकअप वेरी फास्ट, दे आर इन अ लर्निंग मोड, कंटिन्यूअसली लर्निंग समथिंग और अदर. आपने कुछ उल्टा सीधा किया वो भी लर्न करते हैं, और सीधा किया तो भी लर्न करते हैं. फिर आप उसको वो गलती करे, उल्टा करे, तब आप प्रवचन दो तो बोले आप तो तभी वो कर रहे थे. तो पहले आपको अपने आप को सही करना है, फिर ये हैबिट पैटर्न और ये सब सही करना है. नमो जीवनानंद. थैंक यू गुरुदेव फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल एजुकेशन एंड वैल्यू सिस्टम. वैल्यू सिस्टम ये गुरुकुल उसका पर्याय है, आप खुद कभी नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखना. ये कंटिन्यूअसली उसको इस एनवायरनमेंट में लाना है, रखना है, सिखाना है, खुद सीखना है, उसको सिखाना है, तभी हो जाके होगा. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, ज्वाइन दिस फ्री कम्युनिटी, परम सुख टोटल वेलनेस, साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल. नमो जी.